राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक सीहोर में। बीजेपी की कई दिग्गज महिला नेत्रियां इसमें शामिल होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत करेंगे। तो भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक सीहोर में आयोजित होना है। कई दिग्गज महिला नेत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, क्या केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इसमें सम्मिलित रहेंगी? किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होगा? किस तरह की बैठक में रणनीति कार्य योजना तैयार होगी? देखिए, ये जो अगर बात करें राष्ट्रीय महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसकी कार्य समिति का ये बड़ा आयोजन है और इसमें अगर हम देखें तो सीहोर में इस आयोजन को किया गया। उसके बड़े कारण है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है और किस तरह से महिला कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है, चुनावी ट्रेनिंग देनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसमें अलग अलग सेशन होंगे जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई सारी महिला सांसद इसमें शामिल होंगी, अलग अलग जो स्टेट्स की प्रदेश अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, सभी 37 प्रदेशों की महिला मोर्चा अध्यक्ष इसमें शामिल होंगी। तो इसी से बेहद महत्वपूर्ण प्रोग्राम है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इसके अलावा हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पीएल संतोष इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। कई सारे और बड़े दिग्गज चेहरे जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये चुनावी तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो या अन्य प्रदेशों की हो, क्योंकि महिला कार्यकर्ताओं को किस तरह से इन चुनाव में आगे बढ़ना है, किस तरह से लोगों के बीच जाना है, इन तमाम बातों की भी जो है ट्रेनिंग इसमें दी जाएगी। बिल्कुल, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और बूस्ट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए खासतौर से बैठक जो है वो आयोजित हो रही है और सीहोर में बैठक होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।